अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई, जो कि बहुत मज़े की बनती है, जिसके लिए मैंने 2 कप लिए हैं मिल्क पाउडर। और मैंने 2 एग्स लिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। अगर आप लोग 1 कप के हिसाब से बनाएं तो उसमें 1 एग ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, जो सिंपल फ्लावर होता है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डो गूंद लेंगे। अच्छे से गूंदेंगे 5 से 10 मिनट तक हम लोग गूंदेंगे। ये हाथों को स्टिक हो रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हैंड्स पे। अब यहाँ मैंने डो को गूंद लिया है और यहाँ मैंने दूसरी साइड पे मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है। अगर आप लोग 1 कप के हिसाब से बनाएं तो उसमें 1 लीटर मिल्क ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाई थी तो मैंने 2 लीटर मिल्क ऐड किया है और 1 कप चीनी ऐड की है। आप लोग अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 इलायची ऐड की है और अब हम इसको कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। अब यहाँ पे मैं बॉल्स बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने डो को पहले हाफ में डिवाइड किया, फिर उसको हाफ में फिर मैंने डिवाइड किया और अब हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। एक एक इंच की मैंने यहाँ पे जो डो है वो निकाल ली है। अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। अच्छे से बॉल्स को बनाइएगा, इनमें कोई क्रैक ना रह जाए। अब यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। दूसरी तरफ से हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारी बॉल्स ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने आग नॉर्मल रखी हुई है, ठीक है। अब हम बॉल्स ऐड करेंगे, फिर हमने कवर करके आग को हाई फ्लेम पे कर देना है। अब यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स ऐड करके
कवर कर दिया और मैंने फ्लेम हाई कर दी। फ्लेम हाई करके इनको हमने ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो जाएगी। गार्निश के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनको मैंने कोट के ऊपर डाल दूँगी। आप लोग अपने हिसाब से, अपनी पसंद से जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम कूट के ऐड किया है। तो तैयार है हमारी रसमलाई। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने कोई रेसिपी बनवानी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।